सुनने वाले सभी बड़ों को अंकिता दुबे शाची शाखा द्वारा सादर प्रणाम और मेरे साथ इस प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों को सप्रेम नमस्कार। आज इस पर्यावरण दिवस पर कुछ कहने का सौभाग्य एवं सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। यह एक बिताया हुआ दिन नहीं, अभी तो त्योहार है, महोत्सव है, जो हर पल हर दिन जिया जाना चाहिए। पर्यावरण हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति, जीव एवं जंतु आदि पर्यावरण के अवयव है, जो हमारे जीवन की संपूर्ण बनाते हैं। वह पिता की तरह हमारा पालन पोषण करता है, परंतु हम मनुष्य उसको नष्ट करके अपने स्वार्थ और लालच को सिद्ध करते हैं। तभी हमारा पर्यावरण प्रसन्न होने पर भरपूर प्राकृतिक संपदा देता है और क्रोधित होने पर भूकंप, तूफान आदि का रूप लेकर हमें समझाने का प्रयास करता है, हमें सम्मान पर लाने की कोशिश करता है और हमें बताता है कि हम ये काम ना करें। पर्यावरण कुछ इस प्रकार कहना चाह रहा है, बड़ से गहराई सीखो, पीपल से सीखो ज्ञान। बड़ से गहराई सीखो, पीपल से सीखो ज्ञान। नीम खड़ा वह सदा कह रहा, मत सहना अपमान। कहे आंवला सभी रसों को जीवन में अपना लेना, कहे आंवला सभी रसों को जीवन में अपना लेना। है बबूल की सीख, न शत्रु कभी निकट आने देना। लता विटब और कंद मूल फल फूल सभी का है कहना। मत कमतर आंको हमको, हम हर प्राणी का है गहना। अब भी समय शेष है, मौसम में ठंडक भी बाकी। अब भी समय शेष है, मौसम में ठंडक भी बाकी। हिमखंडों के पिघलन की परिणति क्या तुमने आकी। इससे पहले कि पानी ऊपर हो जाए सिर से, विश्व ऊष्मा कम करने को वृक्ष लगाओ फिर से। हे आर्यपुत्र अब शपथ उठा, वन देवी की प्रकृति माँ की, धरती माता की रक्षा में अब वानप्रस्थ बीते बाकी। अब वानप्रस्थ बीते बाकी। हमारा पर्यावरण हम भगवान की देन है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल आदि देव है, नदियाँ देवियाँ और धरती हमारी माँ है। अतः हमें पर्यावरण की सुरक्षा हेतु तत्पर रहना चाहिए। आज हम यह प्रण करते हैं कि प्रण करो उन मंजिलों के कांटे हम हटाएंगे, प्रण करो उन मंजिलों के कांटे हम हटाएंगे। अपने पर्यावरण दिवस पर उसमें नए फूल हम लगाएंगे, अपने पर्यावरण दिवस पर उसमें नए फूल हम लगाएंगे। हो सकेगा तो खुद को इतना मजबूत बनाएंगे, हो सकेगा तो खुद को हम इतना मजबूत बनाएंगे कि तरह प्रकृति में जीना फिर से हम अपनाएंगे, फिर से हम अपना